आखिर अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम क्यों गिराया था? दरअसल जापान के एक राजा हिरोहितो अमेरिका पर एक बहुत बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहे थे और इसकी भनक अमेरिका के प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन को पता चल गई और फिर उन्होंने एक मीटिंग करके जापान पर परमाणु बम गिराने की एक योजना बनाई और फिर 1945 की 6 अगस्त को एक एरोप्लेन में एटम बम रखकर जापान में भेज दिया गया और फिर अमेरिकी सोल्जर्स ने एरोप्लेन के जरिए जापान पर बड़े ही प्यार से परमाणु बम गिरा दिया और नीचे खड़े लोगों को लगा कि एरोप्लेन से कोई कुत्ता गिर गया और वो एटम बम देखते ही देखते हिरोशिमा पर गिर गया और एक भयंकर जोरदार धमाका हुआ और जो लोग एटम बम के काफी पास थे वे लोग भाप बनकर तुरंत उड़ गए और जिसने भी बम की चमक को देखा वो हमेशा के लिए अंधा हो गया और धमाके में टोटल 129,000 लोगों की मौत हो गई। लेकिन आज के इस वीडियो में फनी एंडिंग नहीं हो पाई तो करना, परेशान हो गए हम लोग।